अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 5 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है द 5 किंगडम्स। ठीक है, यानी 5 किंगडम्स। पीछे बेटा हमने पढ़ा था कि जो आपकी क्लासिफिकेशन की थी हमने, उसमें से सबसे हाईएस्ट जो आपका टैक्सा था उसको हमने किंगडम बोला था, उसके बाद आपका फाइलम आया था। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में आपको किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि किंगडम्स क्या हैं। आइए, जितने भी 5 किंगडम्स हैं बेटा, इनमें हर किंगडम का अपना फाइलम भी होगा, अपना ऑर्डर भी होगा, अपनी क्लास भी होगी, ठीक है, और अपनी जीनस भी होगी, अपनी स्पीशी भी होगी। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किंगडम्स जो है वो हाईएस्ट टैक्सा है आपका। ठीक है, हाईएस्ट टैक्सोन, जिसमें हमने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे सबसे हाईएस्ट जो टैक्सा होता है वो किंगडम होता है। अब किंगडम में हमने जो है किंगडम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है आपका किंगडम मोनेरा, सेकंड है आपका किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड है आपका किंगडम फंजाई, उसके बाद है फोर्थ वन आपका किंगडम प्लांटी, एंड फिफ्थ वन किंगडम एनिमिलिया। अब हम फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बेटा ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। सबसे पहले क्या है? प्रोक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, एंड क्रियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोक्रियोटिक सेल यानी इनका जो सेल है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, या बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इवॉल्व होने से पहले के ये जानदार हैं। किंगडम मोनेरा के जानदार न्यूक्लियस इवॉल्व होने से पहले के जानदार हैं। ठीक है, सेकंड में इसकी क्या है करैक्टरिस्टिक? यूनिसेलुलर है। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, और सेल सिंगल सेल से मिलकर बना, यानी कोई और सेल नहीं है, एक ही सेल से मिलकर बना। उसके बाद है सम टाइप्स फॉर्म चेन। अब ये एक एक सेल है, ठीक है, ये हर कोई अलहदा अलहदा जो है वो एक एक सेल है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ये चेन की सूरत में, ठीक है, चेन की सूरत में हर सेल दूसरे सेल से जुड़ा होता है। इन द फॉर्म ऑफ चेन, चेन की सूरत में पाए जा सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स बोलते हैं गुच्छे को। ठीक है, ये देखें जैसे आपका ग्रेप्स का वो होता है ना क्लस्टर, सेम उसी तरीके से बहुत सारे जो है ये सारे के सारे अलहदा अलहदा बैक्टेरिया है। ठीक है, हर कोई अलहदा बैक्टेरिया है, ये भी अलहदा बैक्टेरिया, ये भी अलहदा बैक्टेरिया, ये एक नहीं है, बहुत सारे बैक्टेरिया आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लस्टर्स बना सकते हैं, और हमने फर्स्ट चैप्टर में कॉलोनी पढ़ी थी तो कॉलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी एक जगह पे बहुत सारे जो है वो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में मौजूद हो सकते हैं। ये तो होगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या थे? प्रोक्रियोटिक थे, यूनिसेलुलर है, और पाए किस किस सूरत में जा सकते हैं? चेन की सूरत में, क्लस्टर्स की सूरत में, और कॉलोनीज की सूरत में। उसके बाद क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है? खाने कैसे हासिल करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका? मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्ट यानी सारे नहीं, ज्यादातर क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं, दूसरों से भी खाना लेते हैं, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनका क्लोरोफिल भी मौजूद है, और ये सूरज की रोशनी में अपना खाना खुद तैयार भी कर सकते हैं। अगर इनको सूरज की रोशनी ना मिले, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है ये मर जाएंगे, क्योंकि अंडर द डीप वाटर, पानी के बहुत गहराई में रहते हैं, बहुत कम ही इनको रोशनी मिल पाती है, और जब कभी रोशनी मिलती है फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, अगर ना भी मिल पाए तो दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा के अपना गुजारा करते हैं। अच्छा जी, अब इनमें ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दोनों जो है इनकी फॉर्म है। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया दोनों जो है वो बहुत सिमिलर है, बस कुछ डिफरेंसेस की वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी एक और क्लास इवॉल्व कर दी थी जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इनमें मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं आपके? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, यानी दोनों ही तरीके से खाना तैयार कर सकते थे। उसके बाद आता है आपका किंगडम प्रोटेस्टा। अब किंगडम प्रोटेस्टा क्या है?
ठीक है, ये क्या है यूकैरियोटिक, ठीक है वो क्या थे प्रोकैरियोटिक, ये क्या है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब क्या था न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिसेलुलर है। मैंने आपको बोला था कि आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, सिंगल सेल में न्यूक्लियस जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद आपके सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, इनमें बेटा थ्री टाइप्स पाई जाती हैं, ठीक है ठीके? तीन किस्म के प्रोटिस्टा हो सकते हैं। फर्स्ट प्रोटिस्टा कौन से है एल्जी, ठीक है एल्जी में बेटा आपने देखा होगा ग्रीन, आपके जो पानी के इर्द गिर्द ग्रीनरी लगी होती है अक्सर आपके जो वॉशरूम के साइड्स पे भी लग जाती है या फिर जहां बहुत ज्यादा पानी खड़ा रहता है वहां पे ग्रीनरी लग जाती है ग्रीन ग्रीन सी, उसको हम एल्जी बोलते हैं, ठीक है। अगर वो ग्रीन कलर की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्लोरोफिल मौजूद है, ग्रीनरी विदाउट क्लोरोफिल आ ही नहीं सकती, यानी उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है, और उनके पास क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल है तो जाहिर सी बात है वो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, ठीक है, और वो क्या है लेकिन यूनिसेलुलर है। फर्क कहाँ है कि मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, कॉलोनी ये वाली, ठीक है, ऐसे ही कॉलोनी की सूरत में पाए जाते हैं, पीछे हमने पढ़ा था वॉल वॉक्स की एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद है सिंपल मल्टीसेलुलर, सादा मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल भी पाए जा सकते हैं और एक सेल भी होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर रिजेंबल किससे करते हैं, क्योंकि ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी प्लांट से रिजेंबल करती हैं, ठीक है। देखें रिजेंबल किससे करते हैं प्लांट से, किन किन बेसिस पे करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है यानी इसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करेगा, ठीक है। तो रिजेंबल प्लांट्स विद सेल वॉल यानी इनके सेल वॉल भी होगी, ठीक है, हैव क्लोरोफिल। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल वॉल भी है प्लांट्स की तरह इनके अंदर, ठीक है। फर्क कहाँ आएगा मैं आपको बताती हूँ कि इनको प्लांट्स में क्यों नहीं रखा, इतनी सारी रिजेंबलेंस होने के बावजूद एलजी को प्लांट में क्यों नहीं रखा वो हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है रिजेंबल प्लांट्स, सेल वॉल भी है इसके अंदर, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी है, लेकिन फर्क कहाँ आ गया, डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है यानी इनका प्रॉपर फ्लावर नहीं बनता, ठीक है, फ्लावर नहीं बनता तो उसके अंदर ओवरी नहीं होगी, ठीक है, ओवरी नहीं है तो उसके अंदर ओव्यूल नहीं है, ठीक है, ओव्यूल नहीं है तो आपका जाहिर सी बात है वो सीड भी नहीं बनेगा, तो प्रॉपर जो है सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते इसके अंदर, यानी ना तो एंथर्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर की हिस्से है ना ये, यहाँ प्लांट्स की पत्तियां होती हैं, ये देखें प्लांट की ये पेटल्स हैं, उसके इर्द गिर्द क्या है ये एंथर्स हैं, ठीक है, ये एंथर्स हैं और ये क्या है आपकी ओवरी, एंथर जो है वो ओवरी पे गिरेगा, ओव्यूल जो है वो आपका नीचे जाएगा ओवरी की तरफ, वहां जाके वो पक जाएगी ओवरी, सीड बन जाएगा और सीड लगा के हम नया पौधा उगा लेंगे। ये सारे काम इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें है ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लांट में हमने नहीं रखा, क्योंकि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, कोई एम्ब्रियो नहीं बनता ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल इसीलिए, और इन अच्छा फिर अगर इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन चलती कैसे है, इनके अंदर बेटा छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं स्पोर्स, ये जो स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे से ये हवा में जो है आसानी से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और जहां पे भी इनको इफेक्टिव एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं यानी मॉइस्चर मिल जाता है, नमी मिल जाती है, ठीक है, वहां पे गिर जाते हैं और दोबारा से नई एलजी को ग्रो कर देते हैं, यानी आसान सा तरीका है, स्पोर्स गिरेंगे और नई एलजी बन जाएगी, ठीक है। तो आसानी से ये जो है वो अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं, ना तो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं ना एम्ब्रियो बनता है, इसीलिए हमने इसको प्लांट्स में नहीं रखा है, ठीक है। रिजेंबल कैसे करते हैं, प्लांट से ही करते हैं। उसके बाद आते हैं आपका सेकंड में प्रोटिस्टा के सेकंड टाइप क्या है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है वो रिजेंबल करते हैं एनिमल से, ठीक है, प्योर एनिमल्स नहीं है, याद रखना है कि प्योर एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स जैसे हैं, ठीक है, लैक क्लोरोफिल यानी कोई क्लोरोफिल नहीं है, कोई क्लोरोफिल नहीं है यानी क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, ना ही सेल वॉल है, ठीक है, इसीलिए किससे रिजेंबल करते हैं,
एनिमल से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है इनके पास, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, सेल वॉल नहीं है जो प्लांट्स में होनी चाहिए, इसीलिए किसे रिजेंबल करते हैं, एनिमल से। और फंजाई लाइक, यानी कुछ फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्योर फंजाई नहीं होते। अब इसमें देखें तीन किंगडम्स जैसे ऑर्गेनिजम्स को, यानी किंगडम प्रोटिस्टा एक्वायर किन ऑर्गेनिजम्स को करता है, उन ऑर्गेनिजम्स को बेटा एक्वायर करता है जो कि प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है। ना ही ये देखें आपका एल्जी प्लांट जैसा था, आपका जो प्रोटोजोन्स था वो एनिमल जैसे हैं, और आपके थर्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फंजाई जैसे हैं। ठीक है, तो ये तीन किस्म के ऑर्गेनिजम्स, ना तो हम इनको प्लांट में रख सकते थे, ना ही हम इनको एनिमल्स में रख सकते थे, ना ही हम इनको फंजाई में रख सकते थे, क्योंकि ये उनके जैसे थे, प्योर फॉर्म्स नहीं थी उनकी, बस रिजेंबलेंस रखते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने इनके लिए अलग से एक किंगडम इवॉल्व करवाया जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा रख दिया। ठीक है, फाइव किंगडम में यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इन ऑर्गेनिजम्स के लिए जगह जो है वो बना ली गई, क्योंकि बाकी जो हमने टू किंगडम बेटा और थ्री किंगडम पढ़े थे उनमें मिस्टेक्स ही यही थी कि इन ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं थी, इनको या तो प्लांट्स में रखते थे या तो एनिमल्स में रखते थे, जिसकी वजह से हमेशा जो है वो कंफ्यूजन रहती थी कि आते किस में है ये, क्योंकि इनमें ना तो प्योर करेक्टर्स एनिमल जैसी थी, ना तो प्योर करेक्टर्स प्लांट जैसी थी। तो ये आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है थर्ड किंगडम फंजाई। फंजाई बेटा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें भी ट्रू न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, हेटरोट्रॉफ का मतलब खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। हेटरोट्रॉफिक कैसे हैं, हेटरोट्रॉफिक भी एब्जॉर्प्टिव हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव मोड है, यानी अपना खाना दूसरे को मार के नहीं खाते हैं, ये जमीन में लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ इसकी एग्जांपल मशरूम है, मशरूम क्या जो है आपका कहाँ होता है, जहाँ पे बहुत जो है गंदगी होती है, यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स पड़े होते हैं जमीन में, ये वहां उगता है। ठीक है, और करता क्या है, ये अपने हिस्टोरिया के जरिए, ये इसकी ट्रू रूट्स नहीं है, ठीक है, प्लांट जैसा नजर आ रहा है ना कि जमीन में लगा हुआ है और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर है, प्योर नहीं है। ठीक है, ये जो इसके हिस्टोरिया होते हैं, ये जो हिस्टोरिया होते हैं, ये नीचे से डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल, यानी डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल को, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करके उनको अब्जॉर्ब करते हैं और उनसे अपना खाना हासिल करते हैं। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर डीकम्पोजर्स, डीकम्पोज करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो बहुत हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना क्या कहलाता है, डीकम्पोज। उसके बाद सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम बेटा वो ऑर्गेनिजम्स या वो एंजाइम वो होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं, खुद उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट यानी तेज करना है। जो काम हम दो मिनटों में करते थे वो हम कुछ सेकंड्स में कर लेते हैं या एक मिनट में कर लेते हैं, ये काम आसान करना इनका काम है। क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रिएट करते हैं और अब्सॉर्ब करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फ्रॉम द सोइल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, किंगडम फंजाई। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हेटरोट्रॉफिक है, अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल मशरूम थी, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को और अब्सॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, उसके बाद आपका आता है किंगडम प्लांटी, यानी फोर्थ आपका कौन सा है, किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी जो है वो प्लांट से है, ठीक है, जाहिर सी बात है प्लांट्स है तो यूकैरियोटिक होंगे, क्योंकि इनमें जाहिर सी बात है मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स हैं प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और इसके अलावा इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, ऑटो का मतलब खुद ब खुद काम जो हो जाता है, ऑटो, ठीक है, यानी ऑटो खुद अपना खाना तैयार कर सकते हैं। तो खुद अपना खाना तैयार कैसे कर सकते हैं, जाहिर सी बात है इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की मौजूदगी में अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, आ गया डिफरेंस, हमने जो एलजी में पढ़ी थी चीजें कि उनमें नहीं थी, इनमें वो सारी चीजें हैं, यानी क्या है प्रॉपर इनकी क्या है, ओवरी होती है, ठीक है,
एंथर्स लगे होते हैं और पेटल्स, ठीक है, पेटल, एंथर या स्टेमन, पूरी स्टेमन होती है ना ये, और ये इसकी एंथर, ये क्या है आपकी ओवरी, ठीक है। तो इनके अंदर ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। नीचे क्या है, ये सेपल्स हैं। अच्छा जी, अब इनके अंदर ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं प्लांट्स के अंदर, यानी एंथर है, एंथर क्या करेगा, यहां से टूटेगा, यहां से जाएगा स्टाइल के जरिए, ठीक है, नीचे जाएगा ओवरी में, वहां जाके एम्ब्रियो सॉरी सीड बनेगा, और सीड जो है वो दोबारा से हम जमीन में लगाएंगे, इसमें से एम्ब्रियो निकलेगा और नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। ये सारे का सारा काम जो है वो किसके जरिए होता है, सेक्स ऑर्गन्स के जरिए, यानी इसमें एम्ब्रियो भी बनता है पूरे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में, ठीक है। उसके बाद मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स, मोसेस और फर्न्स, ये भी क्या है आपके प्लांट्स में आते हैं, मोसेस और फर्न्स, यानी ये लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, तो इनको हम मोसेस और फर्न्स बोलते हैं। उसके बाद है आपका आता है किंगडम एनिमिलिया, ठीक है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पहली क्या है, यूक्रियोटिक है, यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे, ये क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे, कंज्यूम कैसे करते हैं, इंजेशन के जरिए, यानी खाते हैं, मुंह से चबा के खाते हैं, फंजाई में हमने क्या कहा था कि अब्सॉर्ब करते हैं, इनमें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मोस्टली टेक फूड बाय इंजेस्टिंग विद द कैविटीज, कैविटीज क्या है आपकी, ओरल कैविटी, ठीक है, इसके अंदर आपके टीथ हैं जो कि खाना खाने को चबाते हैं, फिर उसको अंदर एसोफेगस के जरिए आपके स्टमक में लेके जाते हैं, फिर वो आपको स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, यानी बहुत सारी कैविटीज जो है वो जो इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इसके अंदर, जाहिर सी बात है खुद खाना तैयार नहीं कर सकते, तो क्लोरोफिल नहीं होगा इसके अंदर, और कोई सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और इनकी एक अहम खूबी क्या है कि शो मूवमेंट, यानी खुद से चल फिर सकते हैं, प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह लगे रहते हैं लेकिन ये खुद से चल फिर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके फाइव किंगडम्स। यहाँ पे आपको अब एक और चीज नजर आ रही होगी, ये फाइव किंगडम का हिस्सा नहीं, ये नया पॉइंट है। नया पॉइंट में क्या है, इसके अंदर स्टेटस ऑफ वायरसेस, ठीक है, हमने इन सब में देखे बैक्टीरिया पढ़ लिया, हमने वायरस नहीं पढ़ा, वायरस कहाँ है, यानी इन किंगडम्स में वायरस क्यों नहीं हमने रखा, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इसी के साथ रखा है मैंने कि वायरसेस को फाइव किंगडम में क्यों नहीं रखा हमने, क्योंकि ये ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये दीज आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, ड्यू टू द क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टल की तरह के होते हैं, जैसे कि आपकी चीनी क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, डायमंड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, आपके सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे ना, चमकते हैं जो सूरज की रोशनी में, और डायमेंशनल शेप होती है, थ्री डायमेंशनल शेप होती है उनकी, तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इनके अंदर सेल नहीं होता, ए सेलुलर होते हैं, ठीक है, ए सेलुलर है लेकिन फिर भी उनके अंदर डीएनए और आरएनए है। बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब है कि बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है इनमें नॉन लिविंग वाली हैं, लेकिन कुछ चंद एक चीजें जो है वो लिविंग की भी पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसको बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग बोलते हैं, ना ही तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इनकी ये करेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटस ऑफ वायरसेस आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सबसे पहले आप ये बताएंगे वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, दे आर ए सेलुलर बट हैव द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद इसमें क्या होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है प्रोटीन की, ये मैंने इस यहाँ पे सिंपल सी डायग्राम बनाई है एक वायरस की, ये देखें बेटा इसकी क्रिस्टलाइन शेप है, इसके अंदर डीएनए मौजूद है, ये जो है इसकी इंजेक्शन की तरह की पायर्स होते हैं, ये क्या करता है, इंजेक्ट करता है, जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसने जाना होता है, इंजेक्ट करता है डीएनए को, यहाँ से सेंड कर देता है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जाके क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे आपके साइड बॉक्स में बेटा दो टाइप्स भी बताई हुई है, फर्स्ट टाइप क्या है आपकी प्रायोन्स, प्रायोन्स में क्या है, प्रायोन्स कंपोज ऑफ प्रोटीन ओनली, जो आपके प्रायोन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने हैं, सिर्फ और सिर्फ
प्रोटीन से मिलके बने हैं, ठीक है। और वायराइड्स क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बने हैं? सर्कुलर आरएनए से मिलके बने हैं। अब मैं आपको इसका रिव्यू या समराइज कर देती हूँ कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, आपको सबसे पहले फाइव किंगडम्स के नाम आने चाहिए। कौन कौन से आपके फाइव किंगडम्स हैं? मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है, ये आपके पांच किंगडम हो गए। फिर आपको इन पांच किंगडम्स की जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मुनेरा सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मुनेरा, 2 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपको आपकी सारी करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए इसकी, कि क्या क्या है, प्रोक्रियोटिक है, यूनिसेलुलर है, किस किस को फॉर्म में पाए जाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा क्या है, ठीक है, प्रोटिस्टा की कितनी टाइप्स हैं, आपको ये भी पूछा जा सकता है, एलजी है, प्रोटोजोन्स है, फंजाई लाइक है, फिर आगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सारी की सारी। उसके बाद है किंगडम फंजाई क्या है। किंगडम फंजाई में आपकी सबसे पहले क्या आती है कि मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ अब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एग्जाम्पल इसकी मशरूम है, और बाद में इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से प्लांटी के बारे में उनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको सारी पता होनी चाहिए, उसकी एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए। किंगडम एनिमिलिया में भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए और उसकी एग्जाम्पल्स आपको पता है सारे एनिमल्स हैं। अच्छा जी, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी हर कोई किंगडम आपको नाम लेके, यानी किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किसी पे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है स्टेटस ऑफ वायरसेस, वायरसेस का क्या स्टेटस है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आगे उनके ये जो दो टाइप्स हैं ये साइड बॉक्स में है, ये भी आपने साथ याद करनी है, ठीक है। ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये आपका क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।